sinus nasalita slagatve nerpulicularia pronata medias ki kuchukta zahachane. जी आगे बात की जाए अपनी शिक्षण पद्धति की तो लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में जो एक सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है वह हमारी टीचिंग मेथड है। सभी शिक्षण संस्थाएं लगभग थ्योरी पर फोकस करती हैं और प्रैक्टिकल पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका परिणाम ये होता है कि स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। यानी कि एक एस विश्वविद्यालय इस मामले में बिल्कुल अलग है। यहाँ पर प्रैक्टिकल टू थ्योरी का कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है और यही वजह है कि एक एस विश्वविद्यालय को कम या खुद प्लेसमेंट ऑफर करती है। ऐसा ही कुछ हुआ विश्वविद्यालय के बायोटेक विभाग की दो छात्राओं के साथ। विश्वविद्यालय के बायोटेक विभाग की MSc 4th सेम की दो छात्राएं हैं जिनमें से पहली नेहा मुचंदानी जो कि अपोलो हॉस्पिटल में अपनी डिसर्टेशन की थी जहाँ पे उसने अपना डिसर्टेशन कंप्लीट किया और उसके डेडिकेशन उसके नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस को देखकर खुद हॉस्पिटल ने उसे प्लेसमेंट का ऑफर दिया। वहीं दूसरी तरफ नीतू शर्मा जो कि 4th सेम MSc बैठे की ही छात्रा है वो एक फार्मास्यूटिकल मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी यूनिकैम में फार्मास्यूटिकल ड्रग इंस्पेक्शन पर अपना डिसर्टेशन करेगी जहाँ पर उसके कहीं ना कहीं उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए एक यूपन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपना प्लेसमेंट उसे दिया है। यह अपने आप में विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है कि अपना कोर्स कंप्लीट करते ही छात्राओं को प्लेसमेंट मिल गया है। इस खुशी के मौके पर विश्वविद्यालय के बायोटेक विभाग के डीन CRPS ठाकरे ने बच्चों तथा शिक्षकों को इस खुशी के मौके पर बधाई दी और आगे भी इस तरह के प्लेसमेंट बनाए रखने का उनसे कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया। जी हाँ, एक विश्वविद्यालय का बायोटेक विभाग जो पहले राजीव गांधी कॉलेज में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है उसकी सफलता पर राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री अनंत कुमार सोनी जी ने भी इस तरह के प्लेसमेंट आगे भी बताया। प्रैक्टिकल टू थ्योरी के कॉन्सेप्ट फॉलो करना कहीं ना कहीं इस तरह की नई नई टीचिंग मेथोडोलॉजी को अपनाने के लिए टीचर्स को मोटिवेट किया और आगे इस तरह की सफलताओं को बरकरार रखने का। तो आज जो AKS में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे AKS की कुछ ताजा।